असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कीजिए। जब तक ना मिले सफलता, निन्न चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर से एक बार मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ दोस्तों। नाम है किरण मोरे और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे बिजनेस आज ग्रो होना चाहते हैं लेकिन साला धंधे वाला आगे बढ़ता क्यों नहीं है, और धंधे वाला अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसके पीछे की क्या वजह है, और अगर उसको आगे बढ़ना है तब उसको करना क्या पड़ेगा। क्योंकि पहले वाला जो टॉपिक मेरा था, अगर आपको लास्ट टाइम देखना हो तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख भी सकते हो, जहां पर मैंने बात ऐसी की कि पांच ऐसे कौन से रीजन हैं जिसके कारण बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं कि पांच ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करने से आप अपने बिजनेस को पांच गुना आगे बढ़ाने वाले हो। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार है? सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस बिजनेस के अंदर है, आप जिस व्यापार के अंदर है, उस व्यापार को आपको रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने बिजनेस को रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो काम कर करके आप मर जाओगे, उसके बाद भी आपका बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका बिजनेस आपके ही कारण फंसा रहेगा। बहुत सारे बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, वो कल भी काम करते थे, वो आज भी काम कर रहे हैं, उनको 2 साल के बाद मिलो फिर भी काम कर रहे हैं, और 20 साल के बाद मिलो फिर भी काम ही कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा काम कर रहे हो दोस्त आप धंधे के अंदर कि आपका बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है? क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं बना है। जब तक आपके बिजनेस के अंदर रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं बनेगा, मेरा दावा है आप अपने बिजनेस से कभी फ्री होने वाले ही नहीं हो। और अगर आप फ्री होना चाहते हो तो आपके बिजनेस में आपको क्या बनाना पड़ेगा? रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। और रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल का मतलब ये होता है, अगर आपका बिजनेस का खर्चा फिक्स है 5 लाख, तो सामने आपकी इनकम भी फिक्स होनी चाहिए 5 या 6 लाख। मतलब आप अपने धंधे पर जाओ या ना जाओ, फिर भी आपका धंधा चलना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि नए कस्टमर जुड़ते जा रहे, पुराने छूटते जा रहे, नए जुड़ते जा रहे, पुराने छूटते जा रहे, तो आपके वहां दूसरी चीज अवेलेबल नहीं है जिसको कहते हैं CRM। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपको अपने व्यापार को बढ़ाना है तो पुराना व्यापार आपका चालू रहना चाहिए और नया व्यापार आपका ऐड होना चाहिए। जब पुराना चालू रहेगा और नया वाला ऐड होगा तब आपका धंधा बढ़ेगा। तो दिक्कत ये है कि आज अपने पास उतना टाइम ही नहीं है कि जो टाइम निकाल कर हम अपने पुराने बिजनेसमैन या पुराने कस्टमर को हम मिले या टाइम निकाल कर उनको फोन करें। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जब पुराने बिजनेसमैन लोगों को या पुराने क्लाइंट लोगों को जब मिलना स्टार्ट होता है तो वहां से भी आप अपने बिजनेस को रिकनेक्ट कर पाते हो। तो नया भी बिजनेस होगा, पुराना भी आपका चलेगा, तब आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा। एक बेसिक एग्जांपल से आप समझ लो, अगर 5 कस्टमर आपसे जुड़ रहे हैं और 500 का व्यापार आपका चल रहा है, होता यह है कि हर साल 5 नए जुड़ते और 5 पुराने छोड़कर चले जाते हैं, तो साल का व्यापार 500 का ही होता है। अगर उसको 1000 करना है तो 5 पुराने और 5 नए, तब 1000 का होगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको लेकर आना पड़ेगा सिस्टम, और सिस्टम आपके बिजनेस के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई होती है। क्योंकि बहुत सारी जगह आज भी लिखा पट्टी वाला काम हो रहा है, और लिखा पट्टी वाला काम के अंदर अगर वो बुक आपकी खो गई या अगर वो चिट्ठी आपको नहीं मिली, मतलब आपका बिजनेस वहां पर खत्म हो जाता है। तो जब टेक्नोलॉजी को आप अपनाते हो तो सारी चीजें टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड होती है और आपका बिजनेस वहां पर आप स्मूथली चला सकते हो। तो तीसरा रीजन है कि आपको अपने व्यापार के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना पड़ेगा और उसको लाने के लिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो मार्केट में से और फील्ड में से ही निकल जाते हैं। तो आज आपको पता होना चाहिए कि आपके व्यापार के अंदर नई नई चीजें क्या आ रही है, और जितनी भी नई चीजें आपके बिजनेस के अंदर आ रही है उसको लाने वाले आप पहले होने चाहिए। हमें बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे बोलते हैं कि इस बिजनेस के या इस इंडस्ट्री के पायोनियर हम हैं।
तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है फर्स्ट मूवर और एक होता है फास्ट मूवर। अब जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं रहा है, अब जमाना आया है फास्ट मूवर का, कि टाइम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब आप पहुंचोगे तब आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। पांचवा पॉइंट ऐसा है जहां पर आपको खुद को ये तीन रोल के अंदर आना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम क्या होता है? कोई भी चीजों को सर्जन करना। विष्णु का काम क्या होता है? उसी चीजों का पालनहार करना। और उसके बाद महेश का काम क्या होता है? उसी चीजों का सर्वनाश करना। तो एक अच्छा बिजनेसमैन ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है और महेश भी होता है। यहां दिक्कत लोगों को यह है, ब्रह्मा विष्णु तो सब बन जाते हैं, महेश कोई नहीं बन पाता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हो तो उसकी अब एक्सपायरी डेट आ गई है, काम करने के पुराने मॉडल को अब उसको आपको खत्म करना पड़ेगा और नया तरीका आपको अपने धंधे में लेकर आना पड़ेगा। जब आप एक नए तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जाओगे तब उस बिजनेस के अंदर जो नई नई अपॉर्चुनिटीज है वो आप हासिल कर पाओगे। पांच ऐसे रीजन जो है वो मैंने फटाफट आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये पांच रीजन के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो आने वाले साल में 5 गुना 10 गुना 50 गुना बढ़ा सकते हो। और फिर से मेरी ये गुजारिश है कि जो जो लोग आपके कॉन्टेक्ट के अंदर है या जो भी लोग आपकी फोन बुक में या मोबाइल के अंदर अवेलेबल है और जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये वीडियो जो है वो आप अपलोड करके उनको भेजिए और उन लोगों को बताइए कि उनका बिजनेस आज आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये पांच कारणों के ऊपर जब वो लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आगे बढ़ेंगे। और गुरुकुल का एक विजन है कि हमें 5000 कंपनियों को 500 करोड़ तक पहुंचाना है। उसके लिए हम आपका साथ मांग रहे हैं, उसके लिए हम आपका सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप जब हमें सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर 5000 कंपनियों को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाने की जिम्मेदारी हमने ली है और उस जिम्मेदारी के अंदर हम आपका साथ चाहते हैं। और उसके लिए आपको ऐसे पांच लोगों को यह वीडियो रेकमेंड करना है जो अपने बिजनेस को 5 गुना आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।